कल दिल्ली में 12,306 पॉजिटिव केसेस आए। पॉजिटिविटी रेट था 21.5%, 21.48% था एग्जैक्टली। 43 डेथ थी। बेड ऑक्यूपेंसी पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, 2,698 बेड थे, और पिछले 6-7 दिन के अंदर जो टोटल बेड ऑक्यूपेंसी थी वो स्टेगनेंट हो गई है, वो भी कम हो गई है। अब दिल्ली के अंदर केसेस जो 28,000 तक गए थे वो कम होके 12,000 पे आ गए हैं, और आज का जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है वो इससे भी काफ़ी कम है, वो लगभग 10,500 के आसपास डाटा लग रहा है। और पॉजिटिविटी भी काफ़ी तेज़ी से घट रही है, अब जो पॉजिटिविटी आने वाली है वो 17-18% के बीच में आ रही है। तो दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ केसेज भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी भी कम हो रही है, इस टाइम काफ़ी कंट्रोल में है। और जो एक्सपर्ट्स का कहना था पहले कि दिल्ली के अंदर 1 लाख केसेस भी पर डे आ सकते हैं, अब वो खतरा टल गया है। 28,000 पर आने के बाद, पीक आने के बाद, अब तेज़ी से केस नीचे गिर रहे हैं, और पॉजिटिविटी भी तेज़ी से 30% से जाने के बाद घटते घटते 17-18% पे आ गई है। तो दिल्ली के अंदर पीक जा चुका है और केसेस कम हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने माननीय एलजी साहब को 3 चीज़ों के रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए लिखा है। एक तो इवन ऑड जो दुकानों का है उसको ख़त्म करने के लिए, दूसरा वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म करने के लिए, और तीसरा जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने के लिए। तो उनसे निवेदन किया गया है कि इनको अलाउ किया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब जो कोरोना का जो बहुत बड़ा खतरा था वो कम हो गया है। और